वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ एक और नया शानदार स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम जरा सी दिल में दे जगह गाने के लोपे एस्थेटिक बीटसिंग पर लिरिकल प्लस बीटसिंग स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखें। और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए। जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूं तुझको मेरी तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो के लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रीव्यू वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस स्टेटस बनने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वेबसाइट की लिंक दी है उस लिंक पर क्लिक करके आपको वेबसाइट से बीट मार्क प्रोजेक्ट और उसे की पैक प्रीसेट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके रखना है और ऑल मटेरियल्स से सभी मटेरियल्स को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्रोजेक्ट्स में जाकर जो बीट मार्क प्रोजेक्ट हमने इंपोर्ट किया था उसको ओपन कर लीजिए। बीट मार्क प्रोजेक्ट में जरा सा दिल में दे जगह वाला गाना है और जहां पर भी बीट चेंज होते हैं वहां पर हमने ऑलरेडी बीट मार्क ऐड कर दिए हैं। दोस्तों शुरू के जो तीन बीट से यहाँ तक 12.09 सेकंड तक जो पहले तीन बीट से उन तीन बीट्स में हम लिरिक्स ऐड करने वाले हैं। उसके बाद के जो सात बीट से उनमें फोटोज ऐड करके उन पर इफेक्ट्स लगा देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लिरिक्स ऐड करेंगे। लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको जहाँ से गाना स्टार्ट होता है स्टार्टिंग से वहाँ पर आ जाना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है और आपको गाने को सुनना होगा। गाने को सुनने के बाद आपको लिरिक्स को टाइप कर लेना है। दोस्तों हमारा पहला लिरिक्स है जरा सा दिल में। तो दोस्तों आपको यह गाना है सिंपली से जरा सा के बाद जो दिल में है उसमें इस तरह से आपको इसको नीचे खींच लेना है और जो जरा सा है उसको एक लाइन में आपको लाना होगा। उसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहले फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कर देना है, 48 तक रख दीजिए। फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करने के बाद तो सबसे पहले हम फॉन्ट ऐड करेंगे, सॉरी दोस्तों लिरिक्स की साइज को उसके बाद फॉन्ट ऐड करेंगे। फॉन्ट ऐड करने के लिए आपको व्यू ऑल फॉन्ट्स में जाना है और आज के वीडियो के लिए हम बंडी तो पर्सनल यूज वाला फॉन्ट यूज करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपके पास ये वाला फॉन्ट नहीं है तो इसको आप ऑल मटेरियल्स से इसकी OTF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और इसका अगर आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करना नहीं आता तो दोस्तों आप मेरा वीडियो देख लीजिए। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू इंपोर्ट फॉन्ट इन अलाइट मोशन, उसको देखकर आप इस फॉन्ट को ऐड कर सकते हो अलाइट मोशन एप्लीकेशन में या किसी भी फॉन्ट को। दोस्तों इस फॉन्ट को आपको सिंपली से सिलेक्ट कर लेना है। फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसको एक लाइन में फिर से एक बार ला दीजिए। एक करने के बाद दोस्तों इसकी साइज को आपको कम ज़्यादा करनी है तो भी आप कर सकते हैं, एक स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए क्योंकि फॉन्ट ऐसा है। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको करना है कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो तीन नंबर में जो ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों वहाँ पर जाना है। तो कलर में जाने से पहले दोस्तों आपको करना है बैक आ जाना है। बैक आने के बाद कलर एंड फिल में जाना है। अब कलर एंड फिल में जाने के बाद आपको यहाँ पर तीन नंबर में जो ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर देख सकते हैं उस पर जाना है। उसमें जाने के बाद जो ब्लैक कलर का ऑप्शन दिखा देगा उस पर क्लिक करके पिंक कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। पिंक कलर को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको करना है फिर से एक बार तीन नंबर वाला ऑप्शन है देख सकते हैं आप पेंटिंग वाला, उस पर क्लिक करके इसकी जो ऑपेसिटी या जो भी है सैचुरेशन ब्राइटनेस उन दोनों को 100 कर देना है। 100 करने के बाद जो नीचे वाला जो पॉइंटर है आप देख सकते इस तरह से इसको आपको सेट करना होगा, एडजस्ट कर देना होगा। दोस्तों एक कर लीजिए आप। एक करने के बाद आपको इसको मिडल में अच्छी तरह से सेट कर देना है। मिडल में सेट कर देने के बाद दोस्तों आपको इस लेयर को एंड तक एक्सटेंड कर देना है। एंड तक मतलब तीसरे वाले बीट मार्क तक 12.09 सेकंड तक सिलेक्ट करके इस तरह से एक्सटेंड कर दीजिए। एक्सटेंड करने के बाद दोस्तों सिंपली से आपको इसको तीन पार्ट में स्प्लिट कर देना है, 1.29 सेकंड पर, 6.25 सेकंड पर, और तो हो गया है दो ही पार्ट में स्प्लिट कर देना है। तो स्प्लिट होने के बाद दोस्तों अब हमें इन लेयर को एडिट कर लेना है। दोस्तों आपको दूसरे लेयर पर क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाना है और आपको आगे का लिरिक्स लिख लेना है, दे जगह तू, और जो तू है उसको आपको अच्छी तरह से मिडल में सेट कर देना होगा इस तरह से। एक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से अगले वाले बीट मार्क पर जाना है।
अगले वाले बीट मार्क पर जाने के बाद एडिट टेक्स्ट में जाकर तीसरा लेयर आपको लिख लेना है। तीसरा लिरिक से हमारा जरा सा अपना ले बना, जरा सा अपना ले बना। तो दोस्तों हमारा तीसरा भी लिरिक्स ऐड हो चुका है, इसको एक लाइन में सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद दोस्तों इसकी साइज आपको कम करनी होगी, 40 रख दीजिए। 40 रख देने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको मिडल में अच्छी तरह से सेट कर दीजिए। मिडल में सेट करने के बाद फिर से एक बार एडिट टेक्स्ट में जाइए और इसको अब आपको एक लाइन में लाना है। उसके बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी साइज को और कम करना होगा। तो अब देख सकते हैं आप, हमारा यहाँ पर सेट हो चुका है लिरिक्स। तो दोस्तों लिरिक्स ऐड होने के बाद इन लिरिक्स पर हमें इफेक्ट लगा देना है। तो इसके लिए आपको सेक इफेक्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना है और जो पहली लेयर है टेक्नोजी नाम की उस पर क्लिक करके उसके इफेक्ट्स को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो हमारे तीनों की तीनों लेयर है उन पर क्लिक करके इस इफेक्ट को पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए तीनों लेयर में। तीनों लेयर में ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देने के बाद दोस्तों अब हमारा लिरिक्स का काम हो चुका है। अब आपको 12.10 सेकंड वाले बीट मार्क पर आकर इमेजेस को ऐड कर लेना है। दोस्तों आज के वीडियो में हम श्रद्धा कपूर के इमेजेस यूज करने वाले हैं। अगर आपको इमेजेस चाहिए HD क्वालिटी में तो इनको मैं ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा जिप फाइल के द्वारा। सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, सभी इमेजेस आपके क्लिक में अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको अपने मोबाइल से 4K फुल HD इमेजेस क्रिएट करने हैं तो इसके ऊपर भी मैंने पहले से वीडियो बन रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आपको सिंपली से फोटो को ऐड कर लेना है। फोटो को ऐड करने के बाद इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए, राइट साइड वाले तीन डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करके फुल स्क्रीन कर दीजिए। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली से इसकी साइज को इंक्रीज कर देना है, नेक्स्ट वाले बीट मार्क तक एक्सटेंड कर दे रहे हैं। दोस्तों 7 फोटोज हमें ऐड करने हैं, मैं 7 के 7 फोटोज ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझ देता हूँ, तब तक के वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों सभी फोटोज ऐड करने के बाद अब हमें इन फोटोज पर इफेक्ट्स लगा देने हैं। फोटोज पर इफेक्ट लगाने के लिए आपको सेकेंड प्रीसेट को ओपन कर लेना है। इसमें आपको दो हीरोइन की मिल जाएंगी इमेजेस। तो सबसे पहले वाली हीरोइन की इमेज है उस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर थ्रेड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। कॉपी इफेक्ट्स करने के बाद बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और दोस्तों पहले 4 इमेजेस, 7 में से पहले जो 4 इमेजेस होंगी उन 4 इमेज पर आपको ये वाला पहला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। पहले 4 इमेज पर ये वाला पहला इफेक्ट पेस्ट कर देने के बाद दोस्तों आपको सेकेंड प्रीसेट को फिर से एक बार ओपन कर लेना है और दूसरे इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी कर लीजिए। दूसरे इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद इसको बीट मार्क प्रोजेक्ट में जाकर जो आखिर के हमारे 3 इमेजेस है उन आखिर के 3 इमेजेस पर आपको ये वाला दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना है। ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देने के बाद दोस्तों हमारे सभी इमेज में सभी इफेक्ट पेस्ट हो जाएंगे और हमारा स्टेटस बनकर रेडी हो चुका है। सिर्फ आपको अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो लोग ऐड करना है उसको ऐड करके एंड तक एक्सटेंड कर दीजिए, दोस्तों हमारा स्टेटस पूरा बनकर रेडी हो जाएगा। इसके बाद वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको राइट साइड में सेटिंग के बगल में शेयर वाला आइकॉन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके वीडियो में जाकर वीडियो का एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल सेलेक्ट करके आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। अगर आपके मोबाइल में रेजोल्यूशन सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों आप 720 पिक्सल में वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूं एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।